विश्वनाथ के धाम काशी दृश्यम है इसका नाम। अब जब काशी आओगे तो मुझको नए रूप में पाओगे। आपकी आना तो पहुंचना पंडित दीनदयाल पड़ाव चौराहे पर, यहीं से काशी यात्रा शुरू होगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर आएगा काशी दृश्यम द्वार। चमकती राह अतीत को पीछे छोड़ दमकते भविष्य का आधार रखेगी। बाईं तरफ देखने पर सत्य सनातन और संस्कृति उकेरी हुई मिलेगी। फिर राजघाट पुल के नीचे से आगे बढ़कर अपना साधन छोड़ देना। मैंने यहां वाहनों का स्थान सुनिश्चित किया है। तुम्हें मेरी उंगली पकड़कर चलना है। अतीत, वर्तमान या भविष्य, तुम किसी भी चेतना में आओगे, मेरी तीन उंगलियां तुम्हारे लिए काशी के तीन नए रास्ते खोलेंगी। पहला रास्ता वाराणसी के संत रविदास मंदिर लेकर जाएगा। दूसरा रास्ता दशाश्वमेध घाट पर पहुंचाएगा और तीसरा रास्ता अस्सी घाट पर निकलेगा। संत रविदास मंदिर जाने के लिए मेरे एक छोर पर गंगा में तैरती जेटी तुम्हें नाव के जरिए उस छोर पर पहुंचाएगी। यहां से आगे बढ़ने पर हुनर हाट दिखेगी। यहां रुकना, यहां आत्मनिर्भर भारत की ढेर सारी कहानियां मिलेंगी। कुछ यादें अपने साथ ले जाना। मैं काशी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी। मेरे 75 अंशों से मेरी संतानों ने बहुत कुछ रचा है और उसे देश ही नहीं दुनिया में विख्यात किया है। मेरे प्रदेश का हर जिला एक नया उत्पाद पूरी दुनिया को दे रहा है। इसके लिए विश्व स्तरीय बाजार हुनर हाट के रूप में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो आगे चलते हैं। यहां भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है जो सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर ले जाएगा। पैदल जाने पर सामने नए काशी कॉरिडोर की अलौकिकता काशी के नव प्राकृतिक श्रृंगार का अनुभव देगी। इसके बाद मेरी दूसरी उंगली पकड़कर गंगा तट पर आओ। जेटी से नाव पकड़कर दशाश्वमेध घाट का सौंदर्य निहारो। यहां गंगा आरती में शामिल होकर मेरे महात्मा के साक्षी बनो। फिर आएगा ओपन एम्पीथिएटर, जहां विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भारत की गौरवशाली सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की झलकियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा। यहां से आगे विश्व स्तरीय फूड कोर्ट में भोजन का प्रबंध है, जिसकी अनुभूति जीवन को नया स्वाद देगी। अपने साधन को छोड़ मेरे तीसरे रास्ते पर चलने से 80 घाट पहुंचा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दिन में काशी के दर्शन करने वालों के लिए वायु मार्ग है। यहीं पर हेलीपोर्ट बना है, जहां बाबतपुर एयरपोर्ट से
काशी दृश्यम तक एक साथ 5 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। इस सुविधा से प्रत्येक हिंदू भारतीय बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक दिन में चरितार्थ कर सकता है। सड़क के दूसरी तरफ विश्व स्तरीय होटल एवं रिजॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर, जजेस ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेदांता और अपोलो की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय अस्पताल, बच्चों के लिए किड्स प्ले जोन जैसी कई विश्व स्तरीय परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध है। यहीं पर रामनगर का किला भी है, जिसका इतिहास मेरे वर्तमान का साक्षी बन रहा है। काशी की भव्यता का जो स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसे धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काशी दृश्यम के रूप में संजोने का प्रयास किया है।